अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चिड़ियाघर में। कल का व्लॉग मैंने आपको बताई थी जो मैं कैटरिंग के काम पर जाती हूँ उसके बारे में। आज मैं दूसरे काम पर जा रही हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। मेरा दूसरा काम है हफ्ते में जो बाज़ार लगते हैं, मंडे बाज़ार, मंगल बाज़ार, सोमवार बाज़ार, आप लोग मतलब सुनते होंगे जगह जगह पर लगते हैं बाज़ार। वैसे मैं भी मार्केट लगाती हूँ मेकअप का, वहाँ पे मेरा भी मतलब मैं शॉप लगाती हूँ। और वैसे मैं इसमें ज़्यादातर जाती नहीं हूँ, मतलब रेली जाती हूँ क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, काफ़ी लोग गाँव जा चुके हैं तो उसमें इतनी अभी वो नहीं है, इनकम नहीं है। फिर भी मैं अभी जा रही हूँ, अभी मैं जाऊँगी, आप लोगों को मतलब मैं जाती हूँ कैसे लगाती हूँ क्या करती हूँ कोशिश करूँगी वो भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, आप लोगों को शायद पसंद आए। तो फिर मैं अभी निकलती हूँ। चुका है मेरा सामान गाड़ी पे, अभी मैं इसको लेके निकलूंगी मार्केट जहाँ पे मेरा कॉस्मेटिक का छोटा सा एक शॉप लगता है। चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। आप लोग देख सकते हो, अब देखिए आगे। जैसा इसमें आपको दिख रहा है कि मैं गाड़ी फास्ट चला रही हूँ, फास्ट नहीं है, वीडियो स्पीड में है। मैं तो गाड़ी बहुत स्लो और संभल के चलाती हूँ, जितना हो सके उतना लेफ्ट से ही चलाती हूँ। इसमें तो रोड खाली है इसीलिए मैं थोड़ा आपको दिख रही हूँगी कि बीच में है, तो मैं बीच में नहीं थी, मैं साइड से और सेफ्टी एकदम गाड़ी चलाती हूँ। ऐसा स्पीड में वीडियो है इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं फास्ट चला रही हूँ। हम आ गए हैं मार्केट में और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, तो कुछ तो करना होगा तो दुपट्टा ओढ़ के बैठी हूँ। ये रहा मार्केट, पीछे दिख रहा है आप लोगों को, अब मैं दिखा रही हूँ मेरी शॉप आप लोगों को। छोटी सी मामूली सी शॉप है, मतलब इसमें ज़्यादा महंगे आइटम नहीं है, छोटे मोटे मार्केट में लगाती हूँ तो एकदम चीप रेट में थोड़ा नॉर्मली आइटम है। जैसे कि आप देख सकते हो हुदा का लिपस्टिक, हुदा के पाउडर, हुदा के मतलब फाउंडेशन वगैरह है। मेरे बाजू में साड़ी वाले भैया है, इनका वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। इनकी बहुत ज़्यादा ही गर्दी रहती है दुकान पर जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखिए आप इनकी शॉप पर जो गर्दी है ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। यहाँ मुझे लग गई थी भूख, मेरे जस्ट सामने एक फरसन वाली थी जिससे मैंने फरसन 10 रुपये कर ली और खाने लग गई, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला खाने के बाद। अब वक्त हो चुका है दुकान बंद करने का, तो मैंने सब समेटना चालू किया और फिर भरने लगी, तो यहाँ कस्टमर आ गए जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। दुकान बंद करते करते भी ना लोग बहुत परेशान करने लग जाते हैं, मतलब उन्हें लेना तो कुछ होता नहीं है, बस ये दिखा दो वो दिखा दो। आप लोग देख रहे हो दो लोग आए हैं, इन्होंने देखे और टाइम पास करके चले गए। फिर मैं अपने काम में वापस लग गई और अपना बैग पैक करने लगी,
उसके बाद भी मतलब इसके बीच में भी दो कस्टमर और आए थे, पर उन्होंने थोड़ा सामान ले ही लिए थे, फिर उन्होंने सामान लेके चले गए, फिर से अपना सामान पैक करने लग गई। थोड़ा टाइम लग जाता मतलब सामान वगैरह पैक करने में, क्योंकि सफाई वफाई करके रखना होता है, तो सफाई में पहले ही कर चुके थे। उसके बाद मैं सामान पैक करने लगी, जो कि आपको स्पीड में मैं दिखा रही हूँ। मार्केट में मैं ही इकलौती हूँ जो सबसे पहले मार्केट से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे मेन मेरा प्रॉब्लम है मुझे वॉशरूम जाना होता है, और सेकेंड मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे घर आके खाना भी बनाना होता है। बच्चे मतलब कर लेते हैं बट इतना भी नहीं कर पाते, तो मैं जल्दी से जल्दी बंद करके मतलब जितना हो गया उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ 8-8:30 बजे तक मैं बंद करना चालू करती हूँ, 9 बजे तक 9:30 तक बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं घर आके खाना बना लेती हूँ। और जिस दिन ज़्यादा थकी रहती हूँ उस दिन मतलब अवॉइड करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ नॉर्मली। चुके हैं जाने के लिए, ये मैं डॉन के जैसे एंट्री मारते हुए बाइक पे अभी बस निकलने की तैयारी मार्केट से बाहर। यहाँ से निकल के मैं आ जाऊँगी मेन रोड पे, फिर यहाँ से घर पहुँचने की जल्दी। और फिर भी मैं सुकून से ही चलाती हूँ, जल्दी मैं नहीं चलाती हूँ, चुपचाप अपने साइड से आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैं एकदम साइड से ही स्लो आराम आराम से चलाती हूँ। जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है रुके, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलती हूँ। करती हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।